अस्सलाम वालेकुम जी, आबद एग्रीकल्चर में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। मार्केट में खादों की क्या कीमतें हैं? खादें एक बार फिर से जो है वो अपनी जगह पे रुक चुकी हैं। खादें सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होंगी तो फिर किसान भी जो है वो इसके अंदर खुशहाल होगा। अगर गंदम और आलू की अगर बिजाई की बात की जाए तो वो भी नज़दीक ही है, बल्कि गंदम जो है वो भी लगना शुरू हो चुकी है। आलू की बिजाई जो है वो भी तकरीबन दरमियान के अंदर है, कई लोगों ने जो है वो कर लिया है। उसके बाद थोड़े से जो लोग हैं वो रहते हैं। अगर बात की जाए खातों के हवाले से तो सबसे पहले आज सोना यूरिया की बात करते हैं। 50 kg का जो बैग है ये 4,000 रुपये तक फरोख्त हो रही है। इसके बाद दोस्तों नाइट्रोफास की बात की जाए तो 6,800 रुपये तक नाइट्रोफास फरोख्त हो रही है। अगर DAP की बात की जाए तो 50 kg का जो बैग है ये 12,000 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। ये रेट आपको मियाँ चनू शहर से बताए गए हैं। आपके इलाके के अंदर क्या कीमतें हैं, आपका इलाका कौन सा है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।